I feel so close to you right now. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है ये वो डेनहाग सिटी के बारे में है, और डेनहाग सिटी जो है वो नेदरलैंड्स की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटी है। फर्स्ट नंबर पे आती है एम्स्टरडैम, फिर रोटरडैम, फिर डेनहाग। डेनहाग इसलिए फेमस है कि यहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज हैं, पार्लियामेंट्स एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली क्या क्या है। मैंने ट्राई किया कि अटमोस्ट सब चीज़ें कवर करूँ, बट लेकिन पॉसिबल तो हो नहीं पाता है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट किया, हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया, और गाड़ी पार्क करके जैसे ही पार्किंग से निकले, यहाँ पे हम देखे कि यहाँ के एक ब्यूटीफुल चर्च था। चर्च बहुत बड़ा था काफ़ी अंदर से, लेकिन मैं बाहर से सिर्फ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि ओपन था चर्च, लेकिन मैं अंदर गया, वहाँ पे प्रेयर चालू थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया। ये एक चौक है, स्क्वायर है, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आपको एक शॉपिंग स्ट्रीट दिखेगा, वहाँ पे सारे आप शॉपिंग कर सकते हो। ये जो सामने आपको शॉप दिख रहा है, ये शॉप जो है स्पेशली विंटर के टाइम पे होता है, इट्स लाइक अ ट्रेडिशन। सो दे सेल स्टफ कॉल ऑलिव ओला, जो कि गुलगुले जैसा होता है, हमारे वहाँ पे जो गुलगुला होता है ना इंडिया में, वो सेम गुलगुले जैसा होता है, और यहाँ पे लोग बहुत खाते हैं चाव से। मैंने भी खाया, मुझे भी अच्छा लगा, काफ़ी मीठा था। ओके, तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही चलता गया, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। हम लोग कपड़े ही पहनते हैं, इंसान ही होते हैं यहाँ पे लोग, लेकिन मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे लोग काफ़ी अपने आप को अच्छे से ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, और अच्छे से मतलब भले ब्रांडेड ना पहने हो, लेकिन दे नो हाउ टू प्रेजेंट themselves। और मुझे जो काफ़ी अच्छा लगता है, वो लोग हमेशा बाल भी उनके हमेशा बना के रखते हैं, लाइक बीड गर्ल्स और बॉयज और मैन और वुमेन सब अच्छे से वेल प्रेजेंटेड होते हैं। और ये रही हमारी ट्रैम, जो कि ये ट्रैम है, आई थिंक इज रियली ओल्ड ट्रैम, और एम्स्टरडैम में ऐसी ट्रैम तो नहीं है, ये आपको सिर्फ डेनहाग में मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। ओके, सो नाउ मैं आ चुका हूँ कि ये जो स्ट्रीट है ये शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ से ये पूरी एक लंबी स्ट्रीट जो है, यहाँ पे आपको सारी शॉप्स मिलेगी, जहाँ पे आप सब कुछ खरीदना हो या फिर कुछ शॉपिंग करना हो तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो। ये जो लेन दिख रहा है आपको, ये साइकिल की लेन है। मैं यहाँ पे चल रहा था, लेकिन फिर मुझे बाद में रॉब ने बोला कि नहीं, ये साइकिल की लेन है, तो प्लीज़ बी अवेयर इफ़ यू आर कमिंग टू एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स, सो आप साइकिल लेन में ना चले, अदरवाइज आपको कार नहीं ठोकेगी, लेकिन आपको साइकिल ज़रूर ठोक देगी। तो मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा चुप, और आपको थोड़ा देखने देता हूँ नज़ारा, और ताकि आप इंजॉय कर सको। जैसा कि अभी रॉब ने कहा कि इट्स सो फनी पीपल ऑलवेज लुक इनटू द कैमरा, यस ये बहुत हुआ मेरे साथ, जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो लोग भाई कैमरे में ऐसे घुस घुस के देख रहे थे। अब मेरा भी फर्स्ट टाइम, तो मैं क्या करूँ, मैं भाई बिंदास रिकॉर्ड किया, अब क्या ही कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये चेचा, और कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे जिनको कैमरे में नहीं आना होता है, क्योंकि भाई क्या भरोसा कोई और बंदी के साथ घूमने के लिए निकला और उसकी वाली बंदी घर पे हो, और कल को पता चला कि वीडियो में देखा कि भाई मेरा बंदा तो कोई और बंदे के साथ, तो भाई उसकी ज़िंदगी की तो वाटी लग जाएगी ना। तो इसके लिए कुछ लोगों को वीडियो में आना अच्छा नहीं होता है, और वो वीडियो देखते ही मुंह फेर लेते हैं, कोई मुंह छुपा लेता है, समझे क्या। और मेरा टारगेट ये है कि इन जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के वीडियो में लाना। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, जॉक्स अपार्ट, तो सामने जो आप जो बिल्डिंग देख रहे हो लाल कलर की, पता नहीं आप नाम पढ़ पा रहे हो कि नहीं, उसका नाम है द बाइनकॉर्फ। सो ये एक मॉल है नेदरलैंड में, बहुत बड़ा मॉल है ये। यहाँ ये मॉल बहुत सारे बिग सिटीज़ में आपको मिलेगा, और ये मॉल की खासियत ये है कि यहाँ पे सारे बिग ब्रांड्स हैं,
यहाँ जैसे यहाँ पे आपको जारा, H&M ये सब नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे शनेल, लुई विटों, प्राडा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे, जो कि हमारी हैसियत से बहुत 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 बाहर है। मैं एक पल के लिए सोचा कि अंदर जाके रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अंदर जाके रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ कि जो बाहर ने लोगों ने शोपीस लगा के रखा हुआ है। एक बात तो भाई है, बड़ी ब्रांड्स का एक फंडा क्लियर है कि भाई प्रेजेंटेशन का ही पैसा है, जैसा जितना दिखेगा उतना बिकेगा। तो भाई अगर दिखाओगे तुम चमक धमक फुल एक नंबर, तो बिकेगा भी फिर एक नंबर, समझे ना। और देखो इंडियन बंदा, देखा आपने, यही होता है सीन यहाँ पे। अगर कोई आपको इंडियन दिखता है रोड पे और आपके ऐसा देख के नज़र से नज़र मिलाता है, फटाक से नज़र हटा लेता है, पता नहीं भाई ऐसा क्या उसने वही भूत देख लिया कि क्या देख लिया। लेकिन वही इंडियन बंदा कोई गोरे को देखता है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भाई ये तो भाई दोगलापन तो पता नहीं कब खत्म होगा ये, मैं तो जब से आया हूँ तब से परेशान हूँ। तो खैर छोड़ो वो सब बात। और फिर उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम जाके यहाँ पे BijenKorf में कॉफ़ी पियेंगे, जो कि बहुत ही महंगी कॉफ़ी थी, 20 यूरो लग गए टोटल, 20 यूरो मतलब 2000 रुपये, समझ सकते हो आप। तो मैं अभी हो जाता हूँ थोड़ा सा साइलेंट, और ये रही जो हमारी कॉफ़ी जो हम पिए थे, कॉफ़ी थी और साथ में मैक्रोन्स और वो छोटा सा केक, भाई 2000 रुपये। तो आप लोग इंजॉय करो वीडियो। As we know that the recently Zara supported Israel, so that's why the people put blood, it's like a color, they put onto the Zara's name, as you can see there. Rob and I decided to go to a stroop waffle shop. Stroop waffle is basically a waffle cookies जिसके बीच में कैरामेल होता है, मेल्टेड कैरामेल, और फिर दोनों को चिपका के एक नंबर कुकी है। मैं क्या बताऊँ आपको, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड इट कम्स इन अ डिफरेंट साइजेस। सो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पर जाके हम देखेंगे कि वो लोग ये कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पर दो बंदे काम कर रहे थे, एक बंदा था एक बंदी थी। बहुत ही स्वीट बंदा था हमारे सामने, उसने स्ट्रॉप वॉफल बनाया लाइव ताकि हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। और तो हमने खाया नहीं क्योंकि हमें भूख नहीं लगी थी।
Are you feeling shy? Yeah, a little bit. But it's the timing. I just wait. Yeah. जो हम ये सामने देख रहे हैं उसका नाम है पैसेज। ये एक तरह का इंडोर शॉपिंग एरिया है जहाँ पे आपको साइकिल ले जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे बस आप पैदल चल सकते हो। सो इट्स मोर लाइक मिलान। अगर आप कभी मिलान गए हो, वैसे मैं भी नहीं गया हूँ लेकिन मुझे पता है मिलान कैसे दिखता है। तो इट्स मोर लाइक मिलान मिनी वर्जन। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और चीज़ें खरीद सकती हो। और ये देखो, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इन नेदरलैंड्स। दिस इज अ वुडन शू। इन 16th एंड 17th सेंचुरी में फार्मर्स लोग ये वुडन शूज़ पहना करते थे क्योंकि ज़मीनें बहुत ही कीचड़ से भरी होती थी और लोगों को अपने पैर बचाने होते थे कीचड़ों से। तो लोगों ने ये वुडन शूज़ पहनना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि विंड मिल्स ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मतलब सुवेनियर के तौर पर लोग लेके जाते हैं, वैसे ही ये वुडन शूज़ भी एक सुवेनियर है। और ये किसानों के जूते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ फार्मर शूज़ एंड विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट इन नेदरलैंड्स। और सामने आप जो देख रहे हो वो आपको एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री दिख रहा है। ये क्रिसमस ट्री क्रिसमस के टाइम पर लगाया हुआ था लेकिन अभी तक ये था जब मैं गया था लास्ट टाइम ये शूट करने के लिए वीडियो।
सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे पास और भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं। मैं बेल्जियम गया था, मैं नेक्स्ट वीक उसका भी वीडियो डालूंगा आपके लिए। और बेसिकली मेरा पर्पस ये है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का, कि मैं आपको, मैं मतलब मेरे जो इंडियन दोस्त हैं, भाई बहन जो भी हैं, मैं उनको यहाँ का एक्सपीरियंस फील करवाऊँ। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि जो भी कोई इंडियन बंदा जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे यहाँ के काम काज में सब चीज़ में बिजी होता है और यहाँ की लाइफ स्टाइल इंजॉय नहीं कर पाता है। तो मैं तो भाई इंजॉय तो नहीं करूँगा लाइफ स्टाइल, लेकिन मैं आपको मैक्स टू मैक्स आपको वो एक्सपेक्टेशंस और यहाँ के लोग कैसी लाइफ जीते हैं और यहाँ के लोग कैसे इंजॉय करते हैं, मैं वो लाइफ स्टाइल जी के ट्राई करूँगा जीने का। वैसे बहुत महंगी है वो लाइफ स्टाइल, मैं ट्राई करूंगा कि वो लाइफस्टाइल जी के आपको पूरा एक्सपीरियंस दे पाऊँ कि यहाँ पे वो कैसा एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे लोग कैसे पार्टीज करते हैं, यहाँ पे लोग कैसे नाइट आउट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब।